be sharing the easy to make Punjab Grill special sweet and salted coconut and mango kheer. खीर एक ऐसी स्वीट डिश है जो सबके दिल को लुभा देती है और रक्षाबंधन का टाइम है तो कुछ मीठा तो जरूर बनता है और आज के एपिसोड में हमारे साथ है पॉपुलर ब्रांड पंजाब ग्रिल के ब्रांड शेफ मिस्टर सरीन मदियान जो आपको उनकी रेस्टोरेंट की सिंपल येट डिलीशियस सॉल्टेड मैंगो खीर की रेसिपी घर पे बनाना सिखाएंगे सो कीप वॉचिंग हाय एवरीवन विद रक्षाबंधन अप्रोचिंग डेजर्ट तो बनता है सो आई विल बी शेयरिंग द इजी टू मेक पंजाब ग्रिल स्पेशल sweet and salted coconut and mango kheer. So let's get started. Kheer banane ke liye hame chahiye Govindo Bhog rice, milk, coconut milk, powdered sugar, desi ghee, salt, fresh mangoes, pistachio, candy floss and vanilla ice cream. 1 cup doodh, 3 cup coconut milk. मिक्स करेंगे धीरे धीरे इसको धीरे धीरे स्टर करते रहना है आपने जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता और उसको स्टर करने का रीज़न ये भी होता है कि ये नीचे ना लगे बस अब हम आधा कप गोविंदो भोग राइस जो हमने भिगा के रखा है उसको डालेंगे तो इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे हिलाएंगे इसको अब हम इसके अंदर हाफ कप शुगर पाउडर्ड शुगर जो हमने पाउडर करके रखा है आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं जो ग्रीन शुगर होती है अब उसको धीमी आंच में पकाएंगे अब मैंने गोविंदो भोग राइस यूज़ किया है बेसिकली इट इज़ अ बंगाली राइस ईजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर अगर आपको नहीं मिलता इन केस तो आप कोई भी बासमती राइस यूज़ कर सकते हो अच्छा वाला बेसिकली गोविंदो जो बंगाली राइस होता है इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है तो आपको इसको धीरे धीरे पकाते रहना है धीमी आंच में अब हम इसके अंदर एक चम्मच देसी घी डालेंगे इसको धीमी आंच में पकने दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए जब तक चावल सॉफ्ट नहीं हो जाता आप इसको कवर कर सकते हैं तो 20 मिनट हो चुके हैं चलो चेक करते हैं इसकी खुशबू बता रही है कि हमारी खीर तैयार हो चुकी है और इसका राइस भी बड़ा सॉफ्ट नज़र आ रहा है नॉर्मली जो खीर होती है थोड़ी सी हम लूज़ रखते हैं मगर इसको हमें थोड़ा सा टाइट रखना है क्योंकि हम इसमें बाद में एक सॉल्टेड कोकोनट सॉस भी ऐड करेंगे तो अब हम इसको एक बॉल में डाल के ठंडा करेंगे कम से कम 1 घंटा इसको फ्रिज में रखना है क्योंकि खीर जितनी ठंडी हो उतना मज़ा आता है खाने में तो जब तक हमारी खीर ठंडी हो रही है तब तक हम तैयार कर लेते हैं सॉल्टेड कोकोनट सॉस इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑफ कोकोनट मिल्क एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इसको हमको वार्म रखना है ना कि इसको बॉईल करना है जब मीठे में नमक जाता है वो और स्वादिष्ट हो जाता है अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब हमारी सॉस तैयार हो चुकी है हमारी खीर तैयार है सर्व करने के लिए तो उसके लिए हमें चाहिए ग्लास तो पहले हम इसमें डालेंगे खीर बेसिकली इसकी लेयरिंग करनी है हमने पहले हम डालते हैं 2 स्पून ऑफ खीर 1 स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम फ्रेश मैंगोस अगर आपको मैंगोज नहीं मिलता है तो आप कोई भी अपना फेवरेट फ्रूट यूज़ कर सकते हो बट वो सॉफ्ट होना चाहिए लाइक प्लम ग्रेप्स जो भी आपको पसंद है पिस्ताचियो अब हम इसमें थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेंगे विद कैंडी फ्लॉस एंड सॉल्टेड कोकोनट सॉस आपने देखा ये एक बहुत ही यमी और इजी टू मेक रेसिपी है तो आप भी घर पर बनाइए या फिर पंजाब ग्रिल से डायरेक्टली ऑर्डर कीजिए एज आर ओपन फॉर होम डिलीवरी एज वेल
Till then, this is me, Bianca Saurashtri. Have a safe and happy Raksha Bandhan.